नमस्कार। आज एक बहुत ही स्पेशल हम गेस्ट अपने साथ आपको मिलवाएंगे, और आपको जैसा हमने पहले भी बताया, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि ये हम ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ सिर्फ रहने मात्र से आपकी चीज़ें ठीक होती चली जाती हैं। अब आजकल एक बहुत ही कॉमन, आप लोगों ने सुना होगा, हर चौथे घर में एक डिजीज़ या डिसऑर्डर आप कह लीजिए, ब्रेन स्ट्रोक एक प्रॉब्लम ऐसी बड़ी चीज़ है कि बहुत लोगों को इसे फेस करना पड़ रहा है। तो और इसमें आपने सभी ने देखा होगा, कोई ऐसा इलाज नहीं है, क्योंकि आप डॉक्टर्स के पास भी जाएंगे तो जब वो स्टेज बिल्कुल फाइनल स्टेज पर आ जाती है, तब वो किसी के हाथ में कुछ उसका इलाज रह नहीं जाता है। तो उसी से रिलेटेड हमारे साथ एक पेशेंट है हमारी, जो 10 डेज से यहाँ पर हैं मैम, और उनका कहना चाहिए ट्रीटमेंट भी चल रहा है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊंगी, मैम ने मुझे करीबन 15 डेज पहले इनका फ़ोन आया, इनके और भी हम जानने वाले रिलेटिव्स हमारे यहाँ ट्रीटमेंट लेके जा चुके थे, तो इनको विश्वास था। तो इनके पास जैसे ही इन्हें खबर मिली कि डॉक्टर ने रिपोर्ट्स निकाली और उसने बताया कि ऐसा कुछ हो सकता है आपको बहुत जल्दी फ्यूचर में, तो आप कुछ जल्दी रेमेडी करिए, तो इन्होंने कहीं भी हॉस्पिटल के पास न भाग कर सबसे अच्छा जो इन्होंने डिसीजन लिया वो उन्होंने फ़ौरन हमें फ़ोन किया कि मैम हम आना चाहते हैं और आप बताइए कौन से दिन आ जाए। तो हमने यही कहा कि आप नियरेस्ट जो सबसे पहले टिकट आपका हो रहा है आप आ जाइए उस हिसाब से, और जो रेमेडी है तब तक घर में कर सकते थे वो भी चीज़ बताई, जिससे कि वो इतने दिन तक कोई बड़ी प्रॉब्लम फेस ना करें। तो इस तरीके से मैम यहाँ तक आई। अब उसके बाद 10 डेज हो गए इनके ट्रीटमेंट चलते चलते, हम ट्रीटमेंट करते करते हमें पता चला कि सिर्फ एक ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी नहीं है जो एक दिन में आ जाए। पहली चीज़ तो ये बहुत सालों का प्रोसेस है जो चलता है, जैसे 30 ईयर्स के करीब मैम को हो गए थे माइग्रेन हो रहा था, उन्हें 30 साल से वो माइग्रेन की प्रॉब्लम झेल रही थी। उसके अलावा कफ, 25 साल से उनका कफ अंदर जमा हुआ था जो मतलब ठीक से आज तक कभी निकल ही नहीं पाया था। फिर अगर वो थोड़ा सा घुटने में दर्द, बाकी प्रॉब्लम, अब ये जो नया कहना चाहिए रिपोर्ट्स में आया, उन्हें एक जगह वो गिरी, चोट लगी तो उन्होंने रिपोर्ट्स निकलवाई, तो उन्हें पता चला कि ब्रेन में जो बेजल गैंग्लिया होता है वहाँ उसके राइट पार्ट में उनका बहुत ही क्रॉनिक कहना चाहिए डैमेज, मतलब मैं अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊँ आपको जिससे आप समझ पाएँ, तो उसमें क्या होता है कि जो आपके ब्लड सेल्स, ब्लड वेसल्स जा रहे होते हैं ब्रेन तक, वो डेड हो जाते हैं, और वहाँ या तो कोई क्लॉट जम जाएगा या कोई और चीज़ हो जाएगी, तो वो जो क्लॉट जमता है या जो कहना चाहिए सेल्स डेड हो जाते हैं, उससे क्या होता है प्रॉपर ब्लड सप्लाई आपके ब्रेन तक नहीं जाता। वो जो ब्लड सप्लाई नहीं जाता उससे फिर आप नई 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 प्रॉब्लम्स फेस करते जाते हो, वही चीज़ बढ़ती चली जाती है। और जैसे मैम के राइट साइड में था तो राइट में वो प्रॉब्लम आ रही थी, तो उनको लेफ्ट में चीज़ें होनी शुरू हो गई थी, जैसे लेफ़्ट में उनकी गर्दन पूरी नहीं जाती थी। फिर लेफ़्ट में क्या होता है, जो भी चीज़ें आपके हो रही हैं आपका ब्रेन उन्हें रिस्पॉन्ड इतने अच्छे से नहीं कर पाता, वो समझ नहीं पाता। फिर आपके साथ कुछ बातें हो जाती हैं, जैसे कुछ हो रहा है आमने सामने तो आप एकदम से उन्हें कैच नहीं कर पाओगे, ब्रेन आपका उतने एक्टिवली काम नहीं कर पाता। ये एक बहुत अच्छे सिम्टम्स हैं जिनसे पता चलता है कि आप बहुत ही करीब हैं इस बड़ी प्रॉब्लम के। तो इन चीज़ों को जैसे, और कुछ लोगों क्या होता है कि आप जैसे बोलना कुछ चाह रहे हैं निकलता कुछ और है, जबान लड़खड़ाने लग जाती हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो इस बीमारी में आप फेस करते चले जाते हैं। अगर राइट में प्रॉब्लम है तो लेफ़्ट में आपको दिक्कतें होंगी, अगर लेफ़्ट में प्रॉब्लम है तो आपको राइट में दिक्कतें होंगी, और वही चीज़ आगे जाके आपने सुना होगा पैरालिसिस आ गया, ये हो गया, मतलब ये सारी चीज़ें उसी के आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं। तो इसी ये कहना चाहिए भगवान की कृपा थी कि वो इस तरीके से कुछ मतलब सब बच गया, वो सही टाइम पे हमारे पास आ गई, सही इलाज सही समय पर उन्हें मिल गया। अब इतने दिनों से जो चल रहा है, अब मैं उसके बारे में क्या बताऊँ, पहले दिन ही आते ही हमने सबसे पहले, क्योंकि इसमें आपको पता है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जनरेट होती है बीपी से, अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है और आपको ब्रेन में भी आपको जैसे मैंने बताया ब्लड सेल्स, ब्लड क्लॉट्स बन गए हैं, चीज़ें हो गई हैं, तो वो सब चीज़ें आपकी करते करते ये चीज़ें आगे रिजल्ट में ले आती हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा हमने जो पहली चीज़ करी कि हमने पहले ही दिन एक तो इनकी बीपी की दवाई बंद करवाई। तो दवाई जो, क्योंकि हमारे पास हमारे जो हमें इतना विश्वास है, जो सर हैं हमारे डॉक्टर साहब हैं प्रवीण, डॉक्टर प्रवीण राय, वो भी उन्होंने फर्स्ट डे वो कह देते हैं कि इतना मतलब उन्हें विश्वास है अपने गुरुजी के फॉर्मूलेज, अपने गुरुजी के सारी थेरेपीज़ और इन चीज़ों पे, कि वो कहते हैं कि कोई दवाई मेरे चीज़ों से ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है।
तो दवाइयाँ तो पहले दिन से बंद हो जाती हैं पेशेंट की, बाकी सारी थेरेपीज स्टार्ट हो जाती हैं, और फिर जो कहना चाहिए जो रिजल्ट्स आते हैं वो अनबिलीवेबल होते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स। उनका कफ भी बहुत सारा कफ निकला ही चला जा रहा है कहना चाहिए अभी तक, और भी बीपी तो कंट्रोल्ड ही है, बीपी में कोई बात ही नहीं है, और बाकी भी जैसे गर्दन नहीं मुड़ती थी अब मुड़ रही है, पैर घुटने में दर्द था तो पैर सीधे नहीं कर पाती थी वो भी सीधे कर रही हैं। तो ये सब चीज़ें तो मैं बता रही हूँ, अब हम उनके खुद के ज़बान से बातें सुनते हैं, वो खुद बताएंगे मैम अपना एक्सपीरियंस कि जब आई थी तो क्या परेशानियाँ थी, फिर जब अब जा रही हैं तो कितना उन्हें इम्प्रूवमेंट लग रहा है इस 10 डेज़ की जर्नी में। ये मैम है उमा जी, लखनऊ से आई हैं हमारे पास। तो मैम आप पहले यही बताइए कि आप कितने साल से, मतलब क्या परेशानियां थीं आपको? बहुत सालों से ये परेशानियां थी, पर मेरी इतनी सर में दर्द होता था, इतनी ज़्यादा तकलीफ थी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। पेन किलर लेती थी, उसे 1 सेकंड 2 सेकंड ठीक हुआ फिर वैसे ही हो जाता था। मगर जब से आप लोगों ने बताया कि आप ये लीजिए काढ़ा, ये जो बताया, जी जी तो उससे हमको फायदा हुआ, जी सर में जी दर्द भी खत्म हो गया, वो 3 4 दिन में ही दर्द खत्म हो जी गया। जी अब तो ऐसा लगता है कि दर्द है पता नहीं कहाँ चले, मतलब अच्छा लग रहा है। और जो जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने तो हमारा बिल्कुल हमको ठीक कर दिया, कहाँ हम चल नहीं पाते थे, मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न था और वो दिमाग काम ही नहीं करता था। सब लोग कहते नहीं तुम्हारा कान खराब है इसलिए तुम नहीं सुन पाती हो, मगर ऐसा नहीं था, हम अब समझ रहे थे पर कोई मान नहीं रहा था। फिर डॉक्टर साहब ने जब देखा तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा होता है, फिर सबको यकीन हुआ कि हाँ होता है। और अब तो हमारा दिमाग भी काम कर रहा है, हम कुछ समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है हमको। कभी कभी लगता है बस यहीं रह जाए, और यहाँ के वातावरण की शुद्ध हवा भी बहुत बहुत अच्छी अच्छी बात है। लगती है, हाँ और यहाँ हमारे गुरु और डॉक्टर साहब की तो कृपा है ही, और ऊपर से भगवान की भी कृपा है जिन्होंने हमें ठीक कर दिया। सब गुरु के द्वारा ही जो शिक्षा दी गई है, गुरु के द्वारा हमें जो जी आशीर्वाद मिला, हम उससे मतलब ठीक है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर साहब को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी कि हमें ठीक किया। जी नमस्कार। बहुत। और जैसे आप पहले पिल्स खाते थे, आपने वो भी बंद कर दिए हैं अब? हाँ, वो और जो हाँ डॉक्टर पहले दवाइयाँ खाते थे वो बिल्कुल बंद कर दी, वो तो दूसरे दिन से ही बंद हो जी गई जी थी हमारी, और आजकल कोई दवाई हम नहीं ले रहे हैं, और जो डॉक्टर साहब ने बताया घुटने वही मुटने में, लेंगे। चलने फिरने में हाँ भी आराम हो हाँ गया है ना बहुत पहले से? आराम, हम तो काफी दूर तक, अभी कल की बात है, काफी दूर तक हम निकल गए थे तो फिर वापस आना पड़ा क्योंकि वहाँ जंगल है सामने, जी जी हाँ तो डर लगा रहता है पता हाँ नहीं कैसे जानवर आ जाए, तो इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। और यहीं इतने बीच में इतना अच्छा लगता है कि कुछ कहने की बात जी नहीं। मैम जी, ओम नमः। बहुत अच्छी। तो ये सारा तो जैसे मैंने मैम को बताया, मैम भी भाव विभोर हो जाती हैं, हम भी हो जाते हैं, जैसे वो आंखों में पानी आ जाता है मैम के, तो ये अपने अंदर के भाव हैं। हमारे साथ जब फर्स्ट डे मैम आई, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा, मैं आपको बताऊँ, कहना चाहिए इमोशनली भी अटैच हो जाते हैं सारे अपने पेशेंट्स के साथ। हमारा मेन मोटिव यही रहता है कि ठीक होना चाहिए, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, और हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो भी करते हैं सब भगवान ही करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि जो यहाँ आ रहा है, मतलब उस पर भगवान की कृपा है, तभी वो यहाँ तक पहुँच पा रहा है, उसे ठीक होने का टाइम आया है। क्योंकि ये भी तो बहुत बड़ी चीज़ है ना कि आजकल के टाइम में मैम ने विश्वास ऑल्टरनेट मेडिसिन पे दिया, चाहती तो किसी हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाती, लेकिन उन्होंने विश्वास किया, तो वो चीज़ भगवान ने, कहना चाहिए कि उनकी विश्वास रख लिया। और जब फर्स्ट डे मैम आई थी तो हम फेस ही देख के, मैम इतनी परेशान थी, कह रही मैं नहीं बचूंगी, मैं नहीं बचूंगी, तो हमने यही कहा कि आप अब चिंता छोड़ दो, आप सही जगह आ गई हो, अब कुछ भी नहीं होगा और सब अच्छा ही होगा। तो अभी ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट पूरा हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी परेशानियां होती हैं, इनमें हम नहीं कह सकते 10 डेज में इतना इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, ये बहुत बड़ी बात है। अब ये है कि अब हमने जैसे मैम के साथ, मैम के हस्बैंड हैं तो उनको थोड़ा ट्रीटमेंट सिखा दिया है, अब वो घर जाके थोड़ा देते रहेंगे, फिर 1 महीने बाद फॉलो अप, 2 महीने बाद फॉलो अप होता रहेगा। तो इस तरीके से इनका रिपोर्ट्स जो होंगी वो भी हम शेयर करेंगे, 1 मंथ बाद ही रिपोर्ट्स निकलवाएंगे, क्योंकि तब तक और अच्छा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। मतलब ये है पूरी कोशिश कि
एक बार जो आ गया वो ठीक हो कर ही जाना चाहिए। यही बस हमें आपको आज मिलवाना था मुझे उनसे, तो मैंने मिलवा दिया मैं उनसे। अब फिर आगे अच्छा थोड़ा सा मैं इनके हस्बैंड से भी आपकी बात कराती हूँ कि वो क्या विचार रखते हैं यहाँ सेंटर से रिलेटेड। सर ओम नमः शिवाय। मैं थोड़ा सा पहले अपना परिचय दे दीजिए आप जो आप कर रहे हैं। दिनेश कुमार निगम, मैं लखनऊ से आया हुआ हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे जो विश्वास हमारा बना हुआ था उस पे मुझे कभी नहीं लगा कि मैंने कोई गलती करी है यहाँ आके। और मैं बहुत निराश हो चुका था इनका इलाज के संबंध में, क्योंकि कोई दवा इनको ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। और जैसे ही मुझको यहाँ का सूचना मिली कि डॉक्टर साहब यहाँ पे उपलब्ध होंगे जिस तारीख को, तो मैंने तुरंत ही उस तारीख को यहाँ पे आने की व्यवस्था करी। और मैं शीघ्र शीघ्र ही आ गया यहाँ पे, और उसका मुझे पूरा फ़ायदा मिला। और मैं डॉक्टर प्रवीण और मैडम सबका बहुत आभारी हूँ कि इन लोगों ने बहुत लगन के साथ हमारी पत्नी का इलाज किया, जिसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, ओम नमः शिवाय। ओम सर्वेषां स्वस्तिर् भवतु। सब हम चाहते हैं इस पूरे यूनिवर्स स्वस्थ रहे। ओम।